हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीजे इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, मुझे बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, होल्ड करे, फ्रेश बाय करे, रुके या निकल जाए, या क्या सीन हो सकता है। तो ये काफ़ी क्वेरीज आ रही थी। तो जो टेक्निकल चार्ट पे बता रहा है बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई, उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि कहाँ होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग कहाँ आ सकती है दोनों स्टॉक में, और बाय करना चाहिए रुकना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे कि बजाज फाइनेंस जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस का वैसे अगर देखा जाए तो चार्ट जो है वो थोड़ा खराब होता हुआ दिख रहा है, और पिछले कुछ दिनों से इसमें हेवी सेलिंग दिख रहा है। मतलब इस लेवल से अगर आप देखें 6500 6400 से, तो इसमें हेवी सेलिंग आता हुआ दिख रहा है। अब जो सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है ये इसका सपोर्ट जोन है। मतलब 6000 से लेकर 5800 ये जो है ये इसका सपोर्ट एरिया है। और अगर हम डिमांड एरिया की बात करें तो ये 5300 से 5200 ये जो है ये इसका डिमांड एरिया है। मतलब यहां से जो बाइंग आने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा है कि अगर इस लेवल में आता है तो आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। इस लेवल से इस लेवल के बीच में आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रुके हैं वो उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो वेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल के आसपास अगर कहीं मिल जाता है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे हम एक देख सकते हैं कि ये सपोर्ट अगर लेता है और यहाँ से ऊपर जाता है, और जब तक बजाज फाइनेंस जो है वो 6800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक इसमें जो है फ्रेश बाइंग बहुत मुश्किल है आना, ये अप मूव आना बहुत मुश्किल है। ये रेजिस्टेंस जो है ये फेस करेगा। यहां से हो सकता है कि इस लेवल पर जाकर वापस एक सेलिंग आना शुरू हो, लेकिन अगर इस लेवल के आसपास आता है तो जो बाइंग बाइंग में बैठे हैं वो थोड़ा कॉशियसली रहे, या इस लेवल के आसपास जिन्होंने बाय किया है वो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर सपोज 5800 के आसपास या 5900 के आसपास अभी जो बजाज फाइनेंस चल रहा है, तो इस लेवल पे बाय करके हम लोग एक स्टॉप लॉस जो है वो 5800 का मेंटेन करके एक ट्राई कर सकते हैं बाइंग के लिए, कि पिछले कई दिनों से ये कंटिन्यू गिर रहा है, तो हो सकता है कि एक थोड़ा सा इसमें रिकवरी आए, तो हमें एक 3-4% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट अच्छा रहता है तो 3-4% हम इसमें सोच सकते हैं। ये स्टॉप लॉस लगा के 5800 का स्टॉप लॉस लगा के हम थोड़ा स्विंग के लिए बाइंग का प्लान करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 5800 का। अगर ये ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ये इस लेवल के आसपास आने का ट्राई करे। अगर इस लेवल में आता है तो हम फ्रेश बाइंग जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी हम बाइंग करने का सोचेंगे। और जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसका चार्ट जो है वो बहुत अच्छे पैटर्न में नहीं आएगा, और इसमें ये जो रेजिस्टेंस है ये फेस करेगा ही। तो ये लेवल आप ध्यान में रखिए कि 6800 जो है ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और 5200 5300 5200 में यहाँ पे ये बहुत अच्छा डिमांड एरिया रहेगा इस स्टॉक का। और अगर हम यहाँ पे कुछ दिनों के लिए सपोर्ट की बात करें तो 5800 ये जो है ये काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो एक 3-4% के लिए हम लोग हमारे ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक में भी पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू हमें सेलिंग होते दिख रही है। अब अगर इसके रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 923 ये जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और सपोर्ट जो है इसका 837 या फिर आप 35 भी पकड़ के चल सकते हैं। इस लेवल के आसपास अगर कहीं आईसीआईसीआई बैंक आता है, नियर अबाउट 845 850 की रेंज में कहीं आता है, तो हम 835 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग प्लान करेंगे। और हम मतलब अभी जो रिजल्ट सेशन शुरू हो रहे हैं कि बैंकिंग के भी रिजल्ट होंगे, तो हो सकता है कि ये फिर से एक बार 950 920 टच करने का आईसीआईसीआई बैंक कोशिश करे। तो हम कुछ अगले कुछ दिनों के लिए हमारा ट्रेड प्लान ये रहेगा कि इस लेवल में कल अगर हमें और थोड़ा नीचे मिलता है, सपोज 845 के आसपास हमें मिलता है, तो हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे 835 का और बाइंग प्लान करेंगे। हमारा टारगेट जो रहेगा हम 920 के टारगेट के लिए बाय करेंगे, लेकिन इसके बीच में भी अगर हमें अच्छा प्रॉफिट होता है तो हम निकलने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेड जो है वो इंट्राडे नहीं होगा, हम कुछ दिनों के लिए लेने की कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट सिनेरियो अच्छा
अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा गैप डाउन या फिर बहुत ज्यादा वोलाटाइल नहीं रहता तो, और हम हमारे स्टॉप लॉस भी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रखेंगे। तो लेवल्स में आपको फिर से एक बार बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक में जो सपोर्ट है उसका वो 837 का निकल के आ रहा है और जो रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए है वो 920 का है। तो आप अपने ट्रेड जो है वो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल में कहीं आपको मिलता है तो आप बाइंग के लिए सोच सकते हैं, अगर इस लेवल पे कहीं आपको मिलता है तो आप सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू इसमें सेलिंग दिख रहा है तो सपोर्ट के आसपास हम एक बाइंग प्लान करके चलेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियोज के लिए मोटिवेशन मिलती रहे।